हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, हम अक्सर इस तरीके के वाक्य बोलते हैं, नखरे दिखाना उसे किसी दिन महंगा पड़ जाएगा, झूठ बोलना उसे किसी दिन महंगा पड़ेगा, दूसरों के काम में दखल देना तुम्हें किसी दिन महंगा पड़ेगा, या ऐसे मूर्ख से दोस्ती करना हमें किसी दिन महंगा पड़ेगा। तो गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वाले बटन को हिट कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। स्ट्रक्चर देखते हैं, हमें एज ए सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब में ing लगा के प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपका विल आएगा, फिर कॉस्ट, फिर सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। ये जीरण फ्रेज होता है, वर्ब में ing लगाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको जीरण फ्रेज नहीं पता तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइज। तो गाइज, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही हमारी वेबसाइट है englishkilearning.in, जिस पर आपको इस तरीके के ढेरों एडवांस स्ट्रक्चर मिल जाते हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे, तो एक बार आप जाके जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं वाक्य। बहाने बनाना आपको किसी दिन महंगा पड़ेगा, कई बार इस तरीके से बोलते हैं ना हम। तो मेकिंग एक्सक्यूजेस, ये पूरा आपका जीरण फ्रेज हो गया। विल कॉस्ट यू समडे, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम जीरण फ्रेज। मेकिंग एक्सक्यूजेस विल कॉस्ट यू समडे। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस गाइस। झूठ बोलना किसी दिन उसे महंगा पड़ेगा, है ना, तपाक से झूठ बोल देता ना ये, उसे किसी दिन बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत प्यारा सेंटेंस है गाइस। तो लाइंग, लाइंग मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है, ये केवल जीरण है यहाँ पर। लाइन will cost him, या इसको telling a lie will cost him someday, ऐसे भी बोल सकते हो। अगला वाक्य है, ऐसे मूर्ख से दोस्ती करना किसी दिन हमें महंगा पड़ेगा। कई बार कहते नहीं भैया, मूर्ख से दोस्ती से बढ़िया है किसी होशियार दुश्मन रखो। तो having friendship, जीरण फ्रेज हो गया, having friendship दोस्ती रखना with such a fool, ऐसे दोस्त से will cost us someday, ठीक है। Having friendship with such a fool will cost us someday. ठीक है guys, hopefully आपको concept clear होगा। आइए एक और वाक्य देखते हैं। दूसरे के काम में दखल देना किसी दिन तुम्हें महंगा पड़ेगा। हर एक टाइम कभी किसी के काम में इंटरफेयर करते रहते हो ना, तो इंटरफेयरिंग इन अदर्स वर्क, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना, दखल देना विल कॉस्ट यू समडे। प्यारा सेंटेंस है, इंटरफेयरिंग इन अदर्स वर्क विल कॉस्ट यू समडे, ठीक है guys। आइए एक और वाक्य देखते हैं। नखरे दिखाना उसे किसी दिन महंगा पड़ जाएगा या महंगा पड़ेगा। नखरे दिखाती रहती ना, या तुम नखरे दिखाती रहती हो ना, किसी दिन तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ये। तो शोइंग टेंट्रम्स, नखरे दिखाने के लिए शोइंग टेंट्रम्स यूज करा हमने, विल कॉस्ट हर समडे। शोइंग टेंट्रम्स विल कॉस्ट हर समडे। तो गाइस, होपली आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वाक्य आपके लिए गाइस, जिसकी अंग्रेजी बनाई थी, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उससे बात करना किसी दिन महंगा पड़ जाएगा, उससे बात करना किसी दिन महंगा पड़ जाएगा। तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया था, उसी के अकॉर्डिंग से बनाएं। तो गाइस, होपली आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोग फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।